चलिए बात बिलासपुर की। चुनावी बिसात बिछने के साथ ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार देना भी शुरू कर दिया। सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव समेत प्रदेश के बड़े नेता बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उसके समर्थन में माहौल बनाने में जुट चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता और दिग्गज नेता बिलासपुर के चुनावी रण में नदारद नजर आ रहे। देखिए खास रिपोर्ट। बिलासपुर में तेज हुई सियासी जंग, सीएम समेत बड़े नेता तोखन के संग। 24 के रण के लिए बीजेपी तैयार। बिलासपुर में अकेले पड़े कांग्रेस उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में बढ़ते तापमान के साथ बिलासपुर का सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। तोखन साहू के पक्ष में सीएम साय समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा में आने वाली सभी 8 सीटों पर 8 अप्रैल तक बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसमें सूबे के मुखिया कार्यकर्ता को जीत का मंत्र दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी जल्द यहां होने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के साथ न प्रदेश के नेता खड़े नजर आ रहे हैं, न ही राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के कोई आसार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे विधानसभा में बैठक ले लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक विश्वास बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस दिशाहीन हो गया है, इनके कोई लीडर कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहते। और बिलासपुर की स्थिति तो ऐसा है कि कहीं से उठा करके बिलासपुर में प्रत्याशी बनाने की कांग्रेस की मजबूरी हो गई। ये इससे उनकी कांग्रेस की लाचारी और बेबसी देखने को मिलता है। कांग्रेस का स्थानीय संगठन चुनावी मैदान में है, पार्टी के नेता भी इन्हीं के सहारे जीत का दम भर रहे हैं, तो बड़े नेताओं के आने का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट जी आए थे, जांजगीर लोकसभा और बिलासपुर लोकसभा का दौरा करके गए। लगभग जो बातें थी उन्होंने एक संगठन के लोगों से कही। विजय जांगिड़ जी अभी दौरा करके गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और यहाँ के सह प्रभारी हैं। 7 मई वाले चुनाव में बिलासपुर रहेगा, तो 7 मई 26 अप्रैल के बाद जो 7 मई का प्रोग्राम बनेगा उसमें हमारे बड़े नेताओं के दौरे होंगे। राहुल जी की भी सभा होगी, प्रियंका जी भी आएंगे, ऐसी संभावना है। और कांग्रेस का संगठन स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। बीजेपी के नेता इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि सत्ता में है। बीजेपी का गढ़ रहे बिलासपुर को भेदने कांग्रेस कोशिश में जुटी है, लेकिन पार्टी की ओर से ऐसा कोई भी बड़ा तीर अब तक नहीं छोड़ा गया जिससे इस गढ़ को दहाया जा सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के किले को अपनी मुट्ठी में कैद करेगा या बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।